अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर, कोई है? डॉक्टर, 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 देखिए ना, इसको किसी ने छुरा मार दिया। डॉक्टर, ये बेहोश है। डॉक्टर, डॉक्टर, ये देखिए ना, ये होश में नहीं है। अरे ये तो बहुत गहरा जख्म है, लगता है इनकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। अरे आप जाके अपने डॉक्टर को बुलाइए ना, प्लीज। डॉक्टर साहब, उनको इंजेक्शन जरूर दें। ओके सर। बोलो ना, कू। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना इसको। राजीव जी, आप यहाँ? डॉक्टर साहब, कुछ करिए ना, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही है, बेहोश हो गई है। लेकिन हमको इतना पता है कि हमारी आवाज सुन रही है। आई नो शी इज लिसनिंग टू मी। डॉक्टर राजीव जी, रिलैक्स, हम देखते हैं। नर्स, इन्हें ओटी शिफ्ट करो, घाव गहरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके सर, छोड़िए प्लीज, साइड हो जाइए। आकर गिरा हो जमीन पर अंबर में उड़ता जो पंछी, सब साज हो बिखरे बिखरे, कोई टूटी हो जैसे बंसी, कुछ ऐसी व्यथा है मेरे धड़क तेरे दे की, तो से नैना मिलाएंगे, तो से अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान सच में चोरी करने के लिए ही इस घर में आया हो और तूने उसे देख लिया हो और घबरा के खुद को बचाने के लिए उसने तू को चाकू मार दिया। हो सकता है, पूरी तहकीकात होने दीजिए, सब सामने आ जाएगा। तब से दादा को फोन लगा रहे लेकिन फोन ही नहीं लग रहा। हमारा सर, क्या देख रहे हैं हम? किसका चेहरा ये? कुछ याद आ रहा है हमें, जैसे कोई चेहरा। संजीव, किसी पे शक है क्या आप लोगों को? नहीं। कोयलिया कहाँ है? रोते रोते सो गई। आप लोगों को कुछ भी याद आए, कोई लीड तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम तहकीकात जारी रखेंगे। इलाके के सभी थानों और पुलिस पोस्ट पर हमने अलर्ट जारी कर दिया है, हम उस आदमी को ढूंढ निकालेंगे। सर, ये आपकी बहू को किस हॉस्पिटल में लेकर गए हैं? बाबा, राजीव दादा से ही बात हो रही थी, वो भाभी को लेके सिविल हॉस्पिटल में गए। आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सिविल हॉस्पिटल? ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ 7 years पहले कुहू ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। अब अगर वो सच बाहर आ गया तो नहीं, नहीं। सर, रिलेशन क्या है आपका पेशेंट से? मिस्टर राजीव, पेशेंट से आपका क्या संबंध है? पत्नी। ओह, पत्नी हमारी? नहीं, पति नहीं, पति नहीं है वो। हाँ, बहन, वो बीवी, बीवी की बहन है। सिस्टर, बीवी की बहन, बीवी की बहन है। ओके, 2 यूनिट ब्लड की जरूरत है तुरंत, हॉस्पिटल में ओ नेगेटिव अवेलेबल नहीं है। क्या? पर वो हमें कैसे भी अरेंज करना ही पड़ेगा, मरीज सिंक कर रहा है और हमारे पास और टाइम नहीं है, हमें कैसे भी करके अरेंज करना ही पड़ेगा। ब्लड बैंक में चेक करते हैं, ये टाइप यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है, चल केमिस्ट से पूछते हैं।
हेलो वर्मा जी, वर्मा जी राजीव बोल रहे, राजीव चंदे, हमारी बात ध्यान से सुनिए। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप 2 यूनिट जल्द से जल्द अरेंज करवाइए। हाँ हाँ जल्द से जल्द तुरंत। पर हुआ क्या है, कहाँ है आप, कोई आपके नजदीक का है? हम हॉस्पिटल में है। हाँ हाँ हम खुद हॉस्पिटल में एडमिटेड है, और अगर ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिले ना 2 यूनिट तो मर जाएंगे हम। जल्दी से लेके आइए तुरंत। Just go for it, just call for it. जिस पर हमको शक था उसका नाम काहे नहीं लिया किसी ने, हंसिनी ने? पर ऐसे बिना सबूत किसी का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा आंटी, सिर्फ शक के बिना पे ऐसे बात बाहर चली जाएगी तो राजीव दा की चुनावी संभावना और छवि को नुकसान हो सकता है। एक बात में शायद हम में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ इतना कुछ हो रहा था पर हंसनी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। ये कैसे हो सकता है, बनाई तो उसको भी दे रहा होगा सब कुछ। हम देख कर आते हैं हंसनी को। आप रहने दीजिए, हम देख के आते हैं। हंसिनी, तो शायद हंसिनी और कनक दोनों सो रहे हैं। इतना कुछ हो गया, सारे घर में हंगामा मचा हुआ है और ये दोनों, इन्होंने कुछ सुना नहीं। नस नस, एक सेकेंड, वो आपने ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे ना? हमने ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में एक जन से बात की है, वो किसी भी वक्त यहाँ पे ब्लड लेके पहुंच रहे होंगे। That's good, sir. अब तो हमारी कोर ठीक हो जाएगी ना? सर इस वक्त तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर आप भगवान पर भरोसा रखिए, प्रे कीजिए और प्रार्थना कीजिए। पता नहीं को कैसे होगी। अरका जी, प्रार्थना और ईश्वर ने विश्वास ही कुह को इस कठिन घड़ी से बाहर ला सकता है, और वो बाहर आएगी और जीतेगी भी। आप भरोसा रखे ना ईश्वर पे, कुछ नहीं होगा हमारी कुह को, हमारी सब ठीक करेंगी। हंसिनी और कनक दोनों सो रहे हैं, पर ये कुछ अजीब सा लग रहा है, सारे घर में हल्ला मचा हुआ है और ये दोनों सोते रहे। तो तुम कह रही हो कनक भी सो रही? हंसिनी भले सोने की एक्टिंग कर सकती है लेकिन कनक नहीं करेगी। हाँ तो इतना सोचने की क्या जरूरत है, उसको उठा कर सवाल करो ना, मैं जाती हूँ। नहीं बुआ जी, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मतलब इस वक्त अगर हमने उससे सवाल जवाब किए तो कहीं वो गुस्से में आकर हमारा ही नुकसान ना कर दे। सिंधु बिल्कुल सही कह रही है, समाज की नजरों में हंसनी राजीव की पत्नी है, और इस वक्त अगर उसने कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हमारा बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, इसलिए जबान बंद रखना ही पड़ेगा ना। अच्छे लोग हंसनी को अभी। पसंजी बाबू, हमको अस्पताल चलना चाहिए, हम ऐसे नहीं बैठ सकते, भूख के लिए चिंता हो रही है।